में किसे से चाहेंगे आप? तेजस्वी यादव। जैसे 25 में? तेजस्वी यादव। 25 में मिलिट्री शासन। मिलिट्री शासन, कोई नेता नहीं? कोई नेता नहीं, पूरे इंडिया में कोई नेता नहीं, मिलिट्री मिलिट्री। जितना भी मिनिस्टर है सब छोड़ है, कोई बढ़िया जनता के लिए कोई काम नहीं, कोई बढ़िया काम नहीं कर रहा, कोई नहीं बढ़िया। अच्छा। जगजीवन राम भी थे, एक अरब जमा कर दिए विदेश में रुपया। उसके बाद मतलब लिखा हुआ था कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वही रुपया निकालेगा। नेहरू जी बराबर जाते थे रुपया कर्जा लेने के लिए, कहते थे भाई आपका रुपया जमा है यहाँ, आप क्यों बराबर आते हैं कर्जा के लिए? इनकी मुझे तो मालूम नहीं है। 25 में जो है से मीडिया वाला एक तो पकड़ा गए थे वहाँ, मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं, कश्यप उनको आना चाहिए, मनीष कश्यप को सीएम बनना चाहिए, जरूर जरूर। हाँ। वो गरीब का मसीह। क्या लगता है भैया? योगी की तरह कौन है बिहार में? योगी की तरह? योगी की तरह कोई नेता नहीं है बिहार का। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कैसे? नवयुवक। अच्छा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपके बारे में भी हम सोच सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने। अब इनके बारे में, चाचा के बारे में भी सोच सकते हैं कि ये आज बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जब बन सकते हैं तो नालंदा से आए हुए हर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री क्यों ना बने बिहार से। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? नीतीश कुमार बढ़िया है या फिर इससे भी बेहतर कोई है? योगी की तरह। योगी की तरह कौन है बिहार में? योगी की तरह? योगी की तरह कोई नेता नहीं है बिहार का। तो फिर कैसे बिहार का सुधार होगा? उसी को अभी चेंज कर देना चाहिए, कोई नया चेहरा आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी से चिराग पासवान को लाना चाहिए। नहीं, उससे भी नहीं संभलेगा। नहीं संभलेगा? नहीं, नहीं। रुकिए 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 सर, सर बड़ी ना वो जो आप कहते ना है कि चिराग पासवान आवेगा, कि पप्पू यादव आवेगा, कि तेजस्वी यादव आवेगा एकदम ना, वो जो समय जो आता है ना। अच्छा ठीक है, आपसे हम सवाल वो करते हैं, आपसे हम सवाल करते हैं कि जब 2016 में जब वोटिंग 4 बजे वोटिंग एकदम बक्सा एकदम बंद होता है, तो 9 बजे रात के एकदम वोटिंग गिनती होता है एकदम, जो अमित शाह किए थे, उस समय आवेगा तब जनता बताओगे। अभी आपको नहीं बताया, कोई कोई नहीं बता सकता। वही आपके मन में कुछ तो होगा। मन में तो होगा, आपसे आप पूछे बता देंगे हम मन के बात। हाँ। बहुत सारे लोग बताते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग बताते हैं। घंटा पहले मन के बात मोदी जी बोले हैं लॉकडाउन में। हाँ। कि मन के बात कहेंगे ना। हाँ। हम दारू पूरा फूल पिए ले। हाँ। पूरा फूल आप पिए हुए हैं अभी भी पूरा एकदम। अच्छा। बोलना मोदी जी बोले कि हम अपना दिल के मन के बात एक बार में नोटबंदी हुआ। हम लोग हम लोग काम करते हैं लेबर डिपार्टमेंट के, नोटबंदी हुआ हमने के बड़ी तकलीफ हुआ, फिर लॉकडाउन लगा दिए, फिर जब बम चलवा दिया एकदम ना। कौन बम चलवा दिया? कौन चलवा दिया हम जानते हैं। हाँ। जैसे मन के बात। अच्छा। हमको चाटिए मत। चलिए 25 में कौन है सीएम लायक ये बताइए। अभी कहना मुश्किल है। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कैसे? नवयुवक। अच्छा है। अच्छा, और समय जो आएगा तब हम बोल रहे 2 घंटा पहले समय आएगा तब। तेजस्वी यादव को क्यों बनाना चाहिए ये तो बता दीजिए। युवा है, अच्छा काम कर रहा। अच्छा काम कर रहा है? क्या कुछ अच्छा काम कर रहे हैं? जो भी हो रहा अच्छा काम हो रहा। अभी लोग कह रहे हैं कि पुल गिर जा रहा है तेजस्वी यादव के रहते। पुल गिर जाए, आसमान गिर जाए, उसको क्या करेगा? उसका थोड़ी हाथ से गिरा दिया, उसका हाथ तो नहीं है ना कि गिरा दिया। अब यहाँ मर्डर हो जाए तो करवा देगा मर्डर? मतलब क्या कह रहे हैं भैया? अरे युवा हो बोलो यार, शर्मा कह रहे हो? क्या क्या बोलिए पूछिए। अरे कुछ कह रहे थे पथ निर्माण विभाग, क्या कह रहे थे? नहीं, पुल गिरने की बात जहाँ तक आपने किया तो पथ निर्माण विभाग जो है उन्हीं के अंदर है। हाँ। तेजस्वी यादव के अंदर नहीं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनती है कि जाकर चेक करना था? बिल्कुल उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये नहीं बनती है कि चेक करना था, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि जो भी इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो भी ठेकेदार काम कर रहे हैं वो गुणवत्ता वाली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा? चेक करने पे ही ना पता चलेगा भैया। वो तो आप अधिकारी को डिपुट करते हैं कोई काम करते हैं, जैसे आप अच्छे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आपके जो चैनल के हेड बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं ना। उसी तरह से यहाँ से अगर सारे जगह डायरेक्टर नहीं जाते हैं, ठीक है, वहां से अपने टीम जांच करवाते रहना चाहिए था। वही चीज कह रहे हैं कि जो उनके इंजीनियर। 25 में किसे बनना चाहिए बिहार का सीएम ये बताइए। अब ये मुझे पॉलिटिक्स में मत जोड़िए, जहां तक आपको जहाँ तक बात आप साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए, आपको हम नहीं देंगे माइक बोलने के लिए। साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, हम आएंगे आपके पास तभी बोलिएगा, ज्यादा मत बोलिए।
ये जनमत संग्रह की बात है, जनता जहाँ एकत्र, आप युवा है, हम युवाओं के मन की बात जानना चाहते हैं कि युवा क्या सोचते हैं, किसे बनना चाहिए। एक युवा से पूरे युवा का वोट नहीं बदलता, लेकिन एक एक वोट से जो है बहुत ये होता है। ये भी बात है, तो ये भी बात है कि पूरे एक युवा से, हमारे कहने से सारे युवा नहीं बदलते, क्योंकि हर लोगों का विचारधारा अलग अलग होता है। तो ये कह रहे हैं कि जनमत जहाँ पे जाएगा वही मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो कार्यकाल अभी तक रहा है जिन लोगों का, वो जनता देख ही रही है, उसी के अकॉर्डिंग वोट होगी। लोग बार बार रह रहा कर चिराग पासवान का नाम उछालते हैं, आपको क्या लगता है? अरे ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र की सबसे बड़ी, चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोचते हैं? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपके बारे में भी हम सोच सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने। अब इनके बारे में, चाचा के बारे में भी सोच सकते हैं कि ये आज बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जब बन सकते हैं तो नालंदा से आए हुए हर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री क्यों ना बने। बिहार से घर, बिहार के हर एक घर से उभरे हुए लड़के, वृद्ध, बुजुर्ग, महिला, पुरुष क्यों ना प्रधानमंत्री बने। हर कोई प्रोजेक्ट कर सकता है। आज विपक्षी एकजुटता का मीटिंग था, बीते दिन हुआ है, और उसके बाद देखा गया कि हर पार्टी के जो प्रमुख लीडर थे या हर एक पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वो अपने अपने कैंडिडेट्स को या अपने अपने मुख्यमंत्री को, अपने नेता को, हाँ नेता को प्रमोट कर रहे थे कि एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो सबको लोकतंत्र का है भाई, लोकतंत्र का। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु। दिव्यांशु, चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं, हाँ या ना? दिव्यांशु, चिराग पासवान के बारे में क्या सोचेंगे, हाँ या ना? मतलब क्या क्या सीएम के लिए? ऐसा कुछ नहीं, वो सोचने का मकसद ये है कि वो सुंदर है, स्मार्ट है, ठीक है, वो अच्छे तो नेता कैसे है? नेता उनको मौका तो मिले, पहले कार्य करने का मौका, सांसद बने हुए हैं, कार्य कर रहे हैं ना, जहाँ पे हैं वो कार्य कर रहे हैं, अब उनको मौका मिले, अगर जनता वोट करती है तो फिर कार्य करके, कार्य करेंगे तो पता चले। क्या लगता है 25 में किसे बनना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री? सवाल है कि मतलब जो काम अच्छा करेंगे उनको रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सवाल है कि जितना भी मिनिस्टर है सब छोड़ है, कोई बढ़िया जनता के लिए कोई काम नहीं, कोई बढ़िया काम नहीं कर रहा, कोई नहीं बढ़िया। अच्छा। जगजीवन राम भी थे, एक अरब जमा कर दिए विदेश में रुपया, उसके बाद मतलब लिखा हुआ था कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वही रुपया निकालेगा। नेहरू जी बराबर जाते थे रुपया कर्जा लेने के लिए, कहते थे भाई आपका रुपया जमा है यहाँ, आप क्यों बराबर आते हैं कर्जा के लिए? क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है, उनको बैंक का खाता दिखाया गया, खाता दिखाया गया तो नेहरू जी सब रुपया निकाले, उसमें लिखा हुआ था। कौन बताया आपको जी? सब कौन बताया आपको? जनता बताया। चलिए, कुर्ता पैजामा पहने हुए अंकल जी, इनसे जानते हैं कि सर क्या लगता है 25 में किसे बनना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री? बिहार के भविष्य खराब है आपका, इससे ज्यादा कुछ बोलवे नहीं करेगा। बिहार का भविष्य खराब है, आवे है। कैसे? जाति पर लेकर गया कि 80% अब 20% मेरा वोट 80% सीध है, और 80% के पीछे मानव आदमी पड़ा हुआ है। 20% को कोई नहीं पूछ रहा, 20% के पीछे पड़ा हुआ, 80% के कोई नहीं पूछ रहा है। कौन है 80%? अभी समझ ली, पूरा खोल के कहे के लिए हम बच्चे आवे जाए। हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। विश्वासी कह रहा है की 15% 15 मिनट हटा दो तो 80% को देख लेगा। इतना कम हिम्मत समझ रहा है 20% को, 80% की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बिहार के भविष्य खराब है बता देते हैं। मतलब लोग जो है 20% की तरफ ध्यान दे रहे हैं, 80% को कोई नहीं पूछ रहा। कोई नहीं, दारू कभी बंद नहीं होगा हम नीतीश बाबू से, कभी नहीं। अच्छा, इनकी बातों से आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि सभी लोग मुसलमानों को पूछ रहे हैं, हिंदुओं की कोई पूछ नहीं है। आजकल जातिवाद हो गया ना, जातिवाद हो गया आजकल। कौन कर दिया है? नेता लोग किए, और कौन करेगा? खत्म कैसे होगा? खत्म होगा ही नहीं, कभी कभी नहीं खत्म होगा जातिवाद। जब से मोदी है, जब से शुरू है, जब से मोदी है तब से शुरू हुआ, तब से शुरू हुआ है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमारा नेता देश का कोई भी हो, वो हमारे गार्जियन है, और गार्जियन को ही चाहिए कि जनता को ध्यान देने के लिए, जो एक एक वोट लाइन लगा के पुलिस से मार खाने के लिए एक एक वोट डालने जाता है, उस गार्जियन को भी हम पर फर्ज बनता है कि हम पर कुछ ध्यान दे, हमारी गरीबी पर कुछ ध्यान दे। अगर गरीब एक दिन नहीं कमावे तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, जरा इस पर भी गौर करे। वोट लेने के लिए तो आप बड़े बड़े वादे कर देते हैं। ठीक है, सभी लोगों से एक शब्द में पूछना चाहेंगे, 25 में किसे चाहेंगे आप? जैसे भी यादव। जैसे 25 में? तेजस्वी यादव। 25 में? मिलिट्री शासन। मिलिट्री शासन, कोई नेता नहीं? कोई नेता नहीं, पूरे इंडिया में कोई नेता नहीं, मिलिट्री मिलिट्री वो ज्यादा सही है, वो बेहतर है। चलिए 25 में, लेकिन एक बार हम बोलेंगे कि युवा वर्ग एक बार आना चाहिए एग्जाम ना, तेजस्वी को, तेजस्वी यादव। हाँ ठीक, 25 में
एसबी का अभी नया उमंग है, एक बार चांस दिया जाए। चांस दिया जाए, आप इतना मुरझाए हुए का है चाचा? मुरझा रहे हैं कि मीडिया वाला को को नहीं मिल रहा है, बिहार में जाना जाना पड़ता है, कलकत्ता बनाना जाना पैसा नहीं तब ना जाए, पीने के लिए कोलकाता बनाने जाना पड़ता है, इसीलिए मीडिया वाले लोग और आम पब्लिक के डिस्टर्ब हो रहा है, मीडिया वाला आम पब्लिक के सरकार वैल्यू नहीं दे रहा। चलिए ठीक है, 25 में कौन? 25 में जो है से मीडिया वाला एक तो पकड़ा गए थे वहाँ, मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं, उनको आना चाहिए, मनीष कश्यप को सीएम बनना चाहिए, जरूर जरूर। हाँ। वो गरीब का मसीह क्या लगता है भैया? अभी तो जिंदगी में नहीं बनेगा वो। हाँ। लेकिन वो गरीब का मसीहा है। अच्छा एक मिनट, हाँ अभी वो राइट करवा दिया हर जगह, कुछ हुआ नहीं, राइट करवा दिया मद्रास में, कह रहे कि कुछ हुआ नहीं और हर जगह दंगा करवा दिया वो मनीष कश्यप। वो तो राइट नहीं करवाए, वो तो मजदूर को बारे में जो है सब पूरा उजागर किए, सब गलत बात था, कोई रिपोर्ट सही नहीं था। वो अपने मीटिंग में बैठ के अपने में वीडियोग्राफी करके छपो दिखा दिया यूट्यूब, कह रहे हैं वो अपने में सब कुछ किए थे, कोई जनता नहीं था, ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को सीएम बनाना चाहिए, सीएम बनाना चाहिए, वो गरीब का मसीहा है, पूरा जो है से वो दिखा रहे थे जो कि गरीब को क्या मिलता है क्या देता है वो पूरा दिखाते थे। अच्छा मनीष कश्यप को सीएम बनाया जा सकता है क्या? जो दिखाते वो करते नहीं, जो जो नहीं दिखाते वही करते, इसलिए इंसान को चाहिए इंसानियत को नहीं खोना। हम जिस देश में हैं, इस देश को आजाद करने में हर जात की काम, हर जात की हाथ है, तो हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर किसी को नहीं लड़ाया जाए। हर की माँ चाहती है राज पर छत्ता पर वाइफ माई बेटा बेटी देखती कि हमारा बेटा आया कि नहीं। इस धर्म के मजहब के नाम पर किसी को लड़वाइए मत, किसी का खून बहाइए मत। मनीष कश्यप लड़वा रहे थे धर्म के नाम? नहीं नहीं, लड़वा रहे थे मनीष कश्यप, मनीष कश्यप लड़वा रहे थे, कुछ दंगा नहीं हुआ कहीं, कुछ मद्रास में कहीं कुछ नहीं हुआ, उसने यूट्यूब पे डाल दिया पूरा दंगा हो गया, इसीलिए नशे में जेल में बंद है, नशे में नशे लगा हुआ उसको। सुशील मोदी कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया है? ना ना कोई फंसाया नहीं, हकीकत है, इसलिए जेल में भी बंद है वो। मनीष कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सोचना क्या है? हाँ। जो अब उनके साथ सही हुआ गलत हुआ, एनएसए जैसी जो ये है वो मतलब राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं चलवाना चाहिए। हाँ ये इतना ये क्या मतलब राष्ट्रद्रोह तो बहुत ही मतलब राष्ट्रद्रोही का आप कैसे प्रतीक समझ रहे हैं? ये समझ कैसे प्रतीक समझ रहे हैं राष्ट्रद्रोह का? उसका काम किया है। हाँ। कह रहे हो ऐसा काम किया, क्या कहेंगे? क्या कहना क्या है? जब ठीक बोल रहा है नहीं सही निकलेगा, जैसे जॉन चैनल पर सुनिए मैडम, जॉन चैनल पर ये अभी अपना रिपोर्ट ली है, चलिए इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।